आप जानते हैं, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय जगह पर ले चलेंगे जहां देवी का रूप देखकर आपको हैरानी होगी। स्वागत है आपका मेरे बावन शक्तिपीठ सीरीज में। आज है दिन पांचवा, आइए जानते हैं इस अद्भुत शक्तिपीठ के बारे में। सोचिए एक ऐसा मंदिर जहां देवी अपना सर अपने हाथ में लेकर खड़ी है। क्या आप जानना चाहेंगे कौन सी देवी यहां पूजी जाती है? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये पवित्र स्थल झारखंड के रामगढ़ जिले पे है? यहां माता सती का कौन सा अंग गिरा था और देवी का ये रूप इतना अद्भुत क्यों है? आइए इस सभी सवालों का जवाब देते हैं। छिन्नमस्ता देवी शक्तिपीठ झारखंड के रामगढ़ जिले में राजरप्पा में स्थित है। ये शक्तिपीठ देवी सती के अंग गिरने से पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती का सर गिरा था, इसलिए इस जगह को शक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे और यहाँ उनका सर गिरा था। देवी का ये रूप जहाँ वो अपने सर को अपने हाथ में लेकर खड़ी है, शक्ति और बलिदान का प्रतीक है। छिन्नमस्ता देवी का ये रूप बहुत ही अलग और बहुत अद्भुत है। देवी का अपना सर काटकर अपने हाथ में पकड़े हुए रूप दर्शन करने लायक है। ये रूप हमें बताता है कि देवी ने कैसे अपने दोस्तों के भूख मिटाने के लिए अपना बलिदान दिया था। शक्तिपीठ झारखंड के रामगढ़ जिले में राजरप्पा नामक जगह पर है। ये जगह अपने रहस्यमय और अद्भुत रूप के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की प्रमुख देवी है छिन्नमस्ता माता, जो अपने सर को अपने हाथ में लेकर खड़ी है। ये रूप देवी का अपार शक्ति और त्याग को दिखाता है। चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है, जहाँ देश भर से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ का स्पेशल भोग खिचड़ी और लड्डू का होता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको रामगढ़ से सड़क मार्ग की यात्रा करनी होती है। नजदीकी रेलवे स्टेशन रामगढ़ है। यात्री यहाँ तक बस, टैक्सी और प्राइवेट व्हीकल से आसानी से पहुँच सकते हैं। छिन्नमस्ता देवी शक्तिपीठ एक ऐसी जगह है जो अपने अद्भुत और रहस्यमय रूप के लिए प्रसिद्ध है। देवी का अपना सर काटकर अपने हाथ में लेकर खड़े होने का रूप शक्ति और त्याग को प्रतीक है। आप अगर कभी झारखंड आए तो यहाँ जरूर दर्शन करें। यह रहा हमारा 52 शक्तिपीठ सीरीज का पांचवा दिन। अगले एपिसोड में हम एक और पवित्र शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।